हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिश की एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी होने के साथ साथ एक यूनिक टेस्ट आपको देगा। मैं हूँ निवेदिता। आज आप और मैं मिलके बनाएंगे फिश की एक नई रेसिपी जिसका नाम मैंने दिया है फिश अचारी। तो चलिए बनाते हैं फिश अचारी। इसके लिए मैंने यहाँ चार फिश लिया है। ये रोहू है। इसमें हम मैरिनेशन के लिए सबसे पहले थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए। फिश को हमें शैलो फ्राई करना है। जो मैरिनेटेड फिश थे उसी को हम एक एक करके फ्राई करेंगे। ऐसे कढ़ाई में तेल जो हमने डाला था उसमें डालेंगे एक एक करके, बीच बीच में पलट के दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम अपना फिश बनाएंगे। थोड़ा सा सौंफ डालते हैं, कटे हुए प्याज, हल्का सा इसे भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब प्याज को मैंने ग्रेट करके रखा था, इसको डालेंगे। पेस्ट अवॉइड कीजिए, ग्रेटेड प्याज इसमें अच्छा लगता है। अच्छे से मिला लेते हैं। यह लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से आपस में मिलाते हुए भून लेंगे। अब डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को पकाते हुए हम इसे भूनेंगे। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर, हरी धनिया पत्ती और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें से थोड़ा पानी डाल के हमें इसे टमाटर नरम होने तक पकाना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं और 2 मिनट सिमर में पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए टमाटर गल चुके अच्छे से। अच्छे से हमें इसे टमाटर को गलाना है। अब जो फ्राइड फिश था उसको हम डालेंगे एक करके और थोड़ा सा मसालों के साथ उसे मिलाकर अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी और मिलाकर अब हम इसे ढक के पकाएंगे। तो चलिए अब इसे हम ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं, ये देखिए पक चुका है और फिश अचारी हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए सर्व करते हैं। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं और चाहे तो रोटी के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता डालिए और लीजिए दोस्तों आपका फिश अचारी तैयार।